Hello, dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, in this video, we are going to discuss the format and the model paper for the students of class 10 English medium. So, let's go. This is for the academic year 2020 21 for the students of class 10th English first language. Remember, first language, and the subject code for the first language is 004. For the annual examination, that is your board examination, Prashna Patranu Parirup, okay, model paper for the students of 2020 21. So, you know very well that it's a 3 hour exam and the total weightage that is 80, total marks 80. Let's go further. Weightage as per the objective. Now, as per the objective, marks 7 marks are of knowledge, 10 marks for understanding, 18 marks for application based question synthesis and analysis 37 marks and interpretation and evaluation 8 marks question total 80 marks here we go further so dear students weightage as per the type of questions so here objective questions objective type of question total 24 questions will be there and weightage 24 very short answer type of question 5 marks short answer type 18 Remember, this is very short, and the third one is short answer. Fourth is long answer type, 3 marks, and fifth is essay type, 30 marks, total 80 marks. Then, weightage as per the skills reading skill, 12 marks, writing skill, 30 marks. Third, grammar. Remember, dear students, 20 marks grammar out of 80. Literature and comprehension, 18 marks. Total, 80 marks. So, dear students, this is your format of the paper. Okay, for the 2021 subject English FL 004, standard 10, 3 hours and marks 80. So, students, let's discuss section wise. First, section A, prose first flight. इन the फर्स्ट सेक्शन यू विल हैव इन the beginning comprehension passage MCQs, weightage will वेटेज विल बी टू मार्क्स सो दिस इज योर सीन पैसेज आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई पैसेज होगा लेकिन उसके जो आंसर होंगे वो एम में होंगे और उसका वेटेज है दो मार्क्स सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वी एस ए वी एस ए का मीनिंग होता है वेरी शॉर्ट आंसर तो ये भी एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा वो भी होगा आपके बुक में से ही होगा लेकिन उसके आंसर कैसे होंगे बहुत शॉर्ट होंगे ओके वेरी शॉर्ट आंसर उसका वेटेज है थ्री मार्क्स दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स वॉकेबलरी ये तीसरा क्वेश्चन है और उसका वेटेज है फाइव मार्क्स आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपको करना है वो है आपका वॉकेबलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स वेटेज फाइव मार्क्स फिर है टेक्शुअल क्वेश्चन अटैम्प्ट फाइव आउट ऑफ सिक्स तो आपको सेवन क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको कोई भी फाइव लिखने हैं उसका वेटेज है टेन मार्क्स सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना ये जो सेक्शन ए है ये आपका ट्वेंटी मार्क्स का सेक्शन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये चलिए आगे बढ़ते सेक्शन बी के तरफ सेक्शन बी है पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टांजा वेरी शॉर्ट आंसर तो कॉम्प्रीहेंशनों का आपकी पोएम होगी कोई भी और उसके दो क्वेश्चन होंगे वेटेज है दो मार्क्स और दोनों के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे वेरी शॉर्ट फिर है आपका फिगर ऑफ स्पीच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दो मार्क्स का वेटेज है टेक्स्चल क्वेश्चन पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स छः क्वेश्चन दिए होंगे आपको कोई भी चार लिखने हैं वेटेज है एट टू मार्क्स ईच क्वेश्चन सो टोटल मार्क्स एट सो दीज आर योर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स

और ये इसका जो वेटेज है ये है चार मार्क्स ये क्वेश्चन भी आपको चार में से चार मार्क्स दिलवा सकता है दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज पैराग्राफ होगा और इसका वेटेज है थ्री मार्क्स ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएगा और दूसरा है डू एज़ डायरेक्टेड एम सी क्यू माई डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है एग्जाम के पैटर्न में आपके पिछले साल का जो पेपर पैटर्न था उसमें आपको आंसर लिखने थे लेकिन इस बार बोर्ड ने थोड़ा चेंज किया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन तो अब ये जो आंसर है ये आपको एम फॉर्म में दिए होंगे आपको सही आंसर सेलेक्ट करना होगा ये जो क्वेश्चन है डूएस डायरेक्टेड का और इसका वेटेज है सेवन मार्क्स माई डियर स्टूडेंट्स सेक्शन ए के बाद ये दूसरा सेक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है तो सेवन प्लस थ्री टेन और एटीन मार्क्स का सेक्शन है सो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप एटीन में से एटीन मार्क्स ला सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आप लैक करते हो तो आप प्लीज़ उसके ऊपर प्रैक्टिस करें चलिए देखते हैं आगे सेक्शन डी वो है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन तो यहाँ पर सबसे पहले है डायरी और डायलॉग डायरी एंट्री और डायलॉग राइटिंग जिसका वेटेज है फाइव मार्क्स फिर है एडवर्टीजमेंट नोटिस और पोस्टर राइटिंग जिसका वेटेज है फाइव मार्क्स तो ये टेन मार्क्स का पूरा सेक्शन है सेक्शन डी और ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप राइटिंग टास्क में अच्छे हों तो बहुत ही अच्छा आप कर सकते हो डायरी एंट्री डायलॉग राइटिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस पोस्टर चलिए देखते हैं लास्ट सेक्शन सेक्शन ई और वो है पूरा राइटिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग कोई चॉइस नहीं मिलेगी कंपलसरी क्वेश्चन है सिक्स मार्क्स का वेटेज है इसका लेटर और ईमेल राइटिंग ईमेल में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है तो इसका भी वेटेज सिक्स मार्क्स है और लास्ट है ऐसे और स्टोरी राइटिंग जो एट मार्क्स का है सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया सेक्शन सी सेक्शन डी और सेक्शन ई e, कि कैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2020 थाउजेंड में सो so जो बच्चे देख रहे हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन चलिए अब देखते हैं एक सैंपल पेपर भी दिया है बोर्ड ने तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा वो पेपर है सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज दैंपल पेपर गिवन बाय द बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन दैट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन सैंपल पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश एफ एल स्टैंडर्ड टेन सो ये जो पैसेज है आप ये पैसेज को देख सकते ये पैसेज आपका नेल्सन मंडेला का है पूरा पैसेज आपको पढ़ना है वेटेज इसका दो मार्क्स है देन देर आर टू क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो एम में दिए हैं आपको सिर्फ राइट right आंसर लिखना है आंसर वन जो भी आंसर है आंसर टू इस तरीके से लिख देना है क्वेश्चन कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा क्वेश्चन देखो वो भी सीन पैसेज का है आपके फर्स्ट फ्लाइट का वो भी एक पैसेज दिया है और उसमें जो है वी एस ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो उसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो बहुत ही छोटे आंसर हैं और उसका वेटेज थ्री मार्क्स है फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका फिलिंदर ब्लैंक्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए हैं और यहाँ पर लिखा भी है यू कैन सी हेयर सो हेयर यू कैन सी राइट ओनली आंसर्स आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स ही लिखने हैं आंसर सिक्स आंसर सेवन आंसर एट आंसर नाइन आंसर टेन एलेवन इसका जो वेटेज है वो है फाइव मार्क्स देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फाइव टू सिक्स सेंटेंसेज ईच एनी फाइव सो हियर देर आर टोटल सेवन क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोज एंड यू हैव टू राइट एनी फाइव द वेटेज इज़ टेन मार्क्स डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट आपको कोई भी पाँच लिखने हैं रिमेंबर्ड स्टूडेंट्स ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है आपका जो बोर्ड का पेपर है वो इसी तरीके से आएगा तो ये आपके लिए एक सैम्पल है ताकि आप समझ पाओ कि कैसे मेरा पेपर आने वाला है इंग्लिश का सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स गो ऑन सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज योर सीन पोएम दिस इज एमेंडा पोएम और उसके दो क्वेश्चन हैं एटीन और नाइन्टीन जो बहुत ही शॉर्ट में उसके आंसर हैं और इसका वेटेज है टू मार्क्स चलिए आगे बढ़ते हैं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारे के सारे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो नाव वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट इज़ योर फिगर ऑफ स्पीच जिसके आंसर आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेंटेंस दिया है और ए बी सी डी तो आपको राइट right आंसर लिखना है आंसर ट्वेंटी जो भी आपको लगता है कि ये पर्सोनिफिकेशन है एलिट्रेशन है ऑनोमोटोपिया है या यूफीमिज्म है वैसे ही आपको ट्वेंटी वन का आंसर लिखना है टू मार्क्स का क्वेश्चन है सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज गेट थोरो इन द फिगर ऑफ स्पीच यू कैन गेट टू आउट ऑफ टू इन दिस क्वेश्चन लेट्स गो नेक्स्ट दैट इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फाइव टू सिक्स सेंटेंस ईच एनी फोर सो देर आर थ्री थ्री सिक्स क्वेश्चन आर देर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर वेटेज एट मार्क्स ये जो आपकी पोएम है बॉल पोएम है एमेंडा है या जो भी पोएम है आपने पढ़ी है तो वो सारी पोएम्स में से क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको कोई भी चार को के क्वेश्चन के आंसर लिखना है लेट्स गो ऑन सेक्शन सी सो सेक्शन सी इज़ ग्रामर और सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर एंड एरर एंड करेक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिखना है दिस मच पार्ट ओनली यू हैव टू राइट यू डोंट हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन आपको सिर्फ एरर और करेक्शन लिखना है नंबर भी ऐसे ही देने ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन और इसका वेटेज है फोर मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल्स कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन राइट ओनली द आंसर प्लीज रीड द डिरेक्शन प्रॉपरली माई डियर स्टूडेंट्स सो हियर ऑलरेडी द वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट आपको अप्रोप्रियट वर्ड सेलेक्ट करना है ये ब्लैंक में रखना है और यहां पर बोला है कि सिर्फ आंसर ही लिखने हैं आपको आंसर शीट में सो डोंट कॉपी दिस फुल पैसेज इन योर आंसर शीट एंड वेस्ट योर टाइम डियर स्टूडेंट्स वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर मार्क्स यू कैन गेट फोर आउट ऑफ फोर इन दिस क्वेश्चन एज वेल दिस इज योर ग्रामर सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर थर्टी फाइव दैट इज थर्टी सिक्स एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन दिस पैसेज यू विल गेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड द वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री मार्क्स राइट ओनली आंसर इन दिस क्वेश्चन एज वेल सीधा आपको आंसर ही लिखना है क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज सेवन मार्क्स क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सात मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं सो यू हैव टू सी यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आई होप आपको आता हूं आपको लिखना है आंसर थर्टी सेवन जो भी सही आंसर लगता है आपको वो लिख देना है सो लेट सी नेक्स्ट थर्टी एट क्वेश्चन दैट इज योर पैसि थर्टी नाइन दैट इज योर क्वेश्चन टैग फोर्टी असर्टिव सेंटेंस फोर्टी वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फोर्टी टू दैट इज योर

Okay, दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फाइव नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको तीन चॉइस मिलती है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव अगर आपको नोटिस अच्छी से लगती है ओके राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल डिस्प्ले तो आप नोटिस लिखिए वेटेज फाइव मार्क्स का है अगर नोटिस आपको पसंद नहीं है तो आप लिख सकते हो पोस्टर और अगर पोस्टर पसंद नहीं है तो आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट लेकिन तीनों में से कोई भी एक ही लिखना है आपको रिमेंबर वेटेज है फाइव मार्क्स सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर सेक्शन सी फोर्टी सिक्स दैट इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग द वेटेज इज़ सिक्स मार्क्स नेक्स्ट यू हैव ई मेल राइटिंग अगर आपको ई मेल नहीं लिखना है तो आप लेटर भी लिख सकते हो आपको चॉइस मिलती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में और जिसका वेटेज है सिक्स मार्क्स एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ फोर्टी एट दैट इज़ योर ऐसे राइटिंग अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टोरी और इसका वेटेज है एट मार्क्स ऐसे में भी आपको दो ऐसे मिलते हैं दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आपको थोड़े उसके लिए इनपुट्स भी दिए जाते हैं क्लूज भी देते हैं ताकि आप थोड़ा क्या लिखना है उसके लिए आपको आइडियाज़ आ जाए सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर And if you are new to this channel, please do hit like and subscribe my channel. Keep watching till then. Goodbye, Jai Hind.